ऑल ऑफ यू वो जो कालो बुकलेट आल्सो हैव गिवेन, तो उससे भी पढ़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल गया था तो सबको नोट्स जो मैंने दिया था? यस सर, हाँ, तो यू आर सो हैप्पी अबाउट दैट, दैट्स आई एम हैप्पी ऑल्सो। यस सर। चलिए हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? एलन फिंची नहीं जाते हैं। नहीं तो वो आपको आपको यहाँ स्कूल ही में मिल जाएगा ना, आपको जाने का क्या जरूरत है? और मैंने ही आपको भेज दिया था। क्या बोल रहे हो? सर हमको आपका नोट्स चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा जो आपको, वो बार बार मांग के फायदा कुछ नहीं। वो तो मैं दे रहा हूँ ना, आपको दिखा दे रहा हूँ, बट PDF यू विल नॉट गेट, दैट आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट डे ऑल्सो, सो यू डोंट नीड टू आस्क, बिकॉज यू हैव डन द मिस्टेक्स, यू हैव टू पे द प्राइस। चलिए, सो आप कल बहुत लोगों को ये डाउट था मोनोशियस में एंड हर्माप्रोडाइट्स में, इवन संकल्प जो है तत्वदर्शी आपका, वो भी ऐसे एक बेवकूफाना सवाल पूछा था मेरे को इवनिंग क्लास में। तो एक चीज याद रखिए कि आपका जो टर्म है वो मोनोशियस है, तो मोनोशियस इज द मेन हेडिंग। तो व्हाट इज मोनोशियस? वन बॉडी। व्हाट इज डायोशियस? टू बॉडीज। कोई शक? तो मोनोशियस मतलब वन बॉडी, डायोशियस मतलब टू बॉडीज। तो अगर दोनों सेक्सेस दो अलग अलग बॉडीज में होंगे उसको हम कहते हैं डायोशियस। अगर दोनों बॉडी एक ही बॉडी में होगा सो दैट इज कॉल्ड मोनोशियस। समझ रहे हो? अगर एक ही बॉडी में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड मोनोशियस। अब ये जो मोनोशियस है आपका, ये जो मेल एंड फीमेल पार्ट है, अगर वो अलग अलग टाइम में मैच्योर करता है, तो समझ रहे हो, इफ इट इज मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है? विल इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन? बोलो नो। नो सर, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसीलिए इसीलिए आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो समझ में आया? तो इस केस में आपको किसी और पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो व्हेन नॉट मैच्योरिंग एट सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट्स। तो हर्माफ्रोडाइट इज ए सबसेट ऑफ मोनोशियस, कोई शक? बट अगर मोनोशियस एनिमल में दोनों सेक्सेस एक ही टाइम में मच्योर करते हैं तो इट इज कॉल्ड मोनोशियस बाइसेक्सुअलिस, या बाइसेक्सुअल्स बोल सकते हो, जो कि जनरली रेयर है। एक्चुअली आप व्हाई यू डोंट गेट दिस बाइसेक्सुअल टर्म, बिकॉज वो रेयर है। आपको जनरली बुक्स में हर्माफ्रोडाइट ही मिलेगा, बट जो टीनिया है वो बाइसेक्सुअल होता है। क्यों? उसका मेल एंड फीमेल सेम पार्ट टाइम में मैच्योर करेगा एंड दे विल फर्टिलाइज ईच अदर, दे डोंट डिपेंड एनी न्यू होस्ट, ठीक है, ए न्यू पार्टनर। बट इन केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट्स यू विल रिक्वायर अनदर पार्टनर। यस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बोलो। Yes, sir. In Mauritius, there is showing that in some invertebrates and in some plants who have both sex, but आई हैव टोल्ड यू, देखो ये आपका दूसरा बदतमीजी है कि नहीं, जब क्लास चल रहा है आप उधर नेट लगा के क्या कर रहे हो? समझ में आया? तो वो आप बाद में देख कर पूछ सकते हैं, ओके? एंड जो मैं बोल देता हूँ वो फाइनल होता है, आपको उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट चेक वन बुक, आई हैव थाउजेंड रेफरेंसेस। आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट मोनोशियस जो है एनिमल किंगडम में, सिंस रेयरली बाइसेक्सुअल होता है, आप एनिमल में बाइसेक्स। अब सुनो, जब प्लांट में आप बाइसेक्सुअल पढ़ोगे तब क्या करोगे बताओ? तो टर्मिनोलॉजी तो कॉमन सीखना पड़ेगा कि नहीं? एक्चुअली व्हाट हैपेंस, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल ज्यादा होते हैं एंड हर्माफ्रोडाइट्स कम होते हैं, इसलिए जनरली जब आपको बॉटनी सर पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा बाइसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे।
जब जे जे सर पढ़ाएंगे जनरली हम लोग ज्यादा हर्मोफ्रोडाइट यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल कम है, उनके पास बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल ज्यादा है, समझ में आया? तो इसीलिए यही चीज आप समझिए, अगेन आप जो है अति चालाक बन रहे हो, अति चालाक लोग हर समय डस्टबिन में जाता है, ओके? आई हैव ऑलवेज गिवन यू टाइम, अब बाद में देखकर बता देना, अभी उधर घुसने का क्या जरूरत है? एंड दैट इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन, यू आर इन ए क्लास, देन व्हाई हैव यू गॉन आउट ऑफ द क्लास, समझ में आया? तो इसलिए आपको जो देखना है आप बाद में देखकर समझेंगे. सो इन केस ऑफ मोनोशियस, तो मोनोशियस का दो सबसेट होता है, समझ में आया? तो आप क्योंकि आप जो डेफिनेशन पाए उससे क्लियर हो गए क्या, जो आपको नेट में मिला, आर यू क्लियर अबाउट द डेफिनेशन? नो सर. तो फिर क्या उधर घुस के दिमाग खराब कर रहे हो? तो जब समझाना मेरे को ही है तो मैं समझा रहा हूं, उधर ध्यान दो, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब जो आपको समझाएगा नहीं उधर ध्यान दे के फायदा क्या है? अब मैं जो बोलता हूँ कि आप लोग कालू फालू पढ़ते हो, तो मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ सौरदीप, टेल इफ आई एम रॉन्ग. समझ रहे हो? मैं कालू फालू नहीं पढ़ता, बाकी लोग पढ़ते होंगे. तो पढ़े, बट तुम अकेले तो क्लास में नहीं हो ना, ना तुम मेरा जॉइन हुआ हो. चलो समय, तुम क्या हमारे जमाई? तो लाइक दैट, तो एवरीबॉडी इज ए स्टूडेंट फॉर मी, आई विल ऑलवेज टेल जनरल रिमार्क्स. चलिए, तो इसलिए याद रखिए मोनोशियस एक कॉमन टर्म है, ये फिर आगे जाके दो टर्म हो जाता है, एक बन जाएगा बाइसेक्सुअल, एक बन जाएगा हर्माफ्रोडाइट्स. एनिमल्स में आपको हर्माफ्रोडाइट ज्यादा सुनाई देगा क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. बाइसेक्सुअल हमारे पास एक ही, मेरे पास तो जितना मैं जानता हूँ एक ही एग्जाम्पल है, तो इसीलिए वन एंड मैनी, तो ऑब्वियसली अगर एक बोलना है तो हम मैनी को सपोर्ट करेंगे. बट प्लांट्स में आप देखोगे सर बहुत टाइम में बाइसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे, ओके? चलिए, सो अब हर्माफ्रोडाइट क्यों हो रहा है भैया? तो दो कारण हो सकता है, प्रोटोएंड्रस, इसलिए इसको हम लोग प्रोटेंड्रस या प्रोटेंड्री बोलते हैं. तो प्रोटॉस मतलब फर्स्ट, एंड्रस मतलब मेल, समझ रहे हो? तो अगर मेल पहले मैच्योर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्रस. एंड अगेन दिस इज मोर कॉमन, ठीक है? एंड अगर फीमेल पहले मैच्योर करती है, मेल बाद में मैच्योर करता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस. ये भी एक रेयर एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं साइकॉन. साइकॉन एक स्पॉन्ज होता है, तो उसमें हमारा प्रोटेंड्री देखा जाता है, प्रोटोगाइनी देखा जाता है, बट अदरवाइज जनरली प्रोटेंड्री में सारे टर्म आ जाएंगे, इट लाइक आवर अर्थवर्म. तो अर्थवर्म में क्या होता है, सबसे पहले मेल गैमिट्स तैयार हो जाता है, तो इसलिए मेल गैमिट्स जब तैयार हो जाएगा तो दो अर्थवर्म्स क्रॉस करेंगे एंड दे विल जॉइन इन 69 पोजीशन. 69 पोजीशन का मतलब क्या है? उनका जो हेड ऑपोजिट टू ईच अदर होगा. फिर मेल क्या करेगा, वो फीमेल टू के बॉडी में स्पर्म डाल देगा एंड मेल टू क्या करेगा, वो फीमेल वन के बॉडी में स्पर्म डाल देगा, डालकर चला आएगा, खत्म. अब फीमेल जो है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्पर्माथीका, तो वो स्पर्माथीका में स्पर्म को स्टोर कर देगी, फाइन. अब जब आपका ये हनी बी में भी होता है, वास्प में भी होता है, हरेक में होता है, एंट्स में भी होता है, अब जब उसका फीमेल गैमिट्स तैयार होगा तब वो क्या करती है, मेल गैमिट से फर्टिलाइज कराती है, समझ में आया? तो इसीलिए दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड प्रोटेंड्रस. एनी डाउट्स? चलिए, ओके, तो ये हमारा टर्म हो गया. अब जो डायोशियस एनिमल है ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीकॉक है, पीहेन है, कैन यू आइडेंटिफाई विच इज पीकॉक विच इज पीहेन?
मेल का वो जो हेन डज नॉट हैव दोस फेदर्स यस नॉट डज नॉट हैव द एग्जॉर्बिटेंट फेदर्स फेदर्स तो होगा बट जो स्पेशल फेदर है टेल फेदर्स वो उसका नहीं होता है बट आपका जो पीकॉक में होता है तो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई देम डिस्टिंग्विश देम यस तो हम इसको क्या कहेंगे डायोशियस कॉमा सेक्सुअली डाइमॉर्फिक क्योंकि दो अलग अलग फॉर्म हैं अब ह्यूमंस में डू यू नो हु इज अ गर्ल हु इज अ बॉय बोलो यस तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बट अगर आप पिजन को देखोगे तो कैन यू टेल विच इज मेल विच इज फीमेल No, sir. No. तो इसके लिए उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे बोलो विच टर्म विल यूज फॉर पिजन सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक ओके डाइमॉर्फिक माने टू फॉर्म्स मोनोमॉर्फिक माने वन फॉर्म आया समझ चलिए अब जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है बोलिए इसको मैं यहां कट करके इधर डाल दूंगा इसके पास डाल देंगे तो समझ में आएगा आपको क्या है ना तो व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा ये भी थोड़ा नीचे डाल देते हैं दीज पॉइंट्स थोड़ा नीचे कट करके डाल इधर आप सुनिए तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो मेल फीमेल रेडी हो गए एंड उन्होंने कॉप्युलेट किया कॉप्युलेट मतलब इंटरकोर्स किया अब अगर पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है तो क्या होगा वो वजाइना के अंदर स्पर्म डाल सकता है कोई शक बट अगर आपके पास कोई डिपॉजिटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो आप अंदर नहीं डाल सकते तो इसीलिए इफ यू कैन नॉट डिपॉजिट स्पर्म इनसाइड तो आपको क्या करना पड़ेगा बाहर डालना पड़ेगा ओके सो दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो मेल एंड फीमेल दोनों बाहर डाल देते हैं अपना गैमिट्स वहां फर्टिलाइज करेगा तो ये कहाँ डालेंगे पानी में ना लैंड में पानी में क्यों लैंड में डालने से सूख जाएगा तो इसीलिए अगर आप एक्वाटिक हैं तो दोनों गैमिट्स आप पानी में छोड़ देंगे अपने आप वहां फर्टिलाइज होकर बच्चा हो जाएगा कोई शक बट अगर आपके पास पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है तो आप अंदर डाल सकते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा Inside mother's body. तो अगर fertilization takes place inside mother's body, तो उसको हम क्या बोलते हैं Internal. अगर outside mother's body, तो उसको क्या बोलते हैं External. कोई शक चलिए अब आपका fertilization हो गया Fertilization से क्या होता है Zygote बनता है फिर जाइगोट से बनेगा बेबी तो ऑल दिस प्रोसेस जाइगोट से बेबी बनना इज इंक्लूडेड इन द जेस्टेशन पीरियड ओके तो इसलिए द टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट टू डिलीवरी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड समझ रहे हो तो इसलिए ह्यूमंस में कितना जेस्टेशन पीरियड होता है अराउंड 9 months है कि नहीं हाथी में क्या होता है आपका अराउंड 2 साल का जेस्टेशन होता है ओके चलिए उसके बाद पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी को हम लोग पार्ट्यूरेशन बोलते हैं ओके अब एक बार डिलीवरी हो गया तो मैमल्स में क्या होगा बोले मिल्क फीडिंग यस तो दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन तो अगर माँ अपने दूध को बच्चों को पिलाती है तो दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन
तो जब तक पिलाती है दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड. ओके, तो किसी किसी जैसे जो शहरी माँ होती है वो आपका 3-6 महीना पहले पिला देती है, बट जो गांव की माएँ होती है वो अगला बच्चा आने तक पिलाती है. सो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो जब तक आप पिलाओगे वो लैक्टेशन पीरियड है. कोई शक? चलिए, अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा, डॉक्टर देख रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा. सो जनरली व्हाट हैपेंस, जो आपका बच्चा है उसका आधा से ज्यादा पार्ट क्या होता है? हेड. तो इसलिए व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न द हेड इज ऑलमोस्ट 1/3 और मोर. तो इसीलिए वो अगर बर्थ कैनाल की तरफ हो तो क्या होगा, वो आराम से अगर मुंडी निकल जाएगा तो बाकी बॉडी आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं? बट अगर बच्चा पीठ के तरफ से अप्रोच कर रहा है बर्थ कैनाल, अब इतना बड़ा तो बच्चा आ नहीं सकता बर्थ कैनाल से, तो इसीलिए उस केस में, या अगर अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस गया, या अगर बच्चे ने टट्टी वट्टी कर दिया अंदर, तो अगर ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आया कि डॉक्टर को नॉर्मल के लिए डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं, तो देन दे विल हैव वक व्हाट, सो देन वो आपका कैसे होगा, सो देन दैट विल बी डिलीवर्ड एज व्हाट, एज सिजेरियन सेक्शन. तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसका पेट काट कर बच्चे को निकालेंगे. Understood? So that is called cesarean section. Koi shak? Okay, chaliye. To samajh mein aaya? So usko hum log kehte hain cesarean section. And why it is called cesarean section? Do teen karan hai. Ek to Julius Caesar was the first person to be recorded. Agar jitna record hai hamare paas, Julius Caesar was the first such delivered child. And दूसरा scissors use होता है, इसलिए लोग उसको scissorian बोलते हैं, तो इसलिए scissorian से cesarean बन गया. कोई शक? चलिए, so अब we will go to the next. तो now tell me, ये हम लोग क्या देख रहे हैं in the top view? बताइए, what are we seeing here? फर्स्ट लाइन ऑफ फोटोग्राफ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. यस, क्यों आप देख रहे हो? लायन भी है, लायनेस भी है, पी ए फाउल भी है, पीहेन भी है, बड़ा बबून है, मेल बबून एंड फीमेल बबून भी है. तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ये सब क्या है बताइए? टेपवर्म्स. टेपवर्म है ये, पर ये क्या दिखा रहा है? मोनोशियस बाइसेक्सुअल. बोलो. मोनोशियस बाइसेक्सुअल. तो टेपवर्म में हम बोल सकते हैं मोनोशियस बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है. एंड ये सब किसके एग्जांपल हो गए? तो ये स्टार फिश है, ये आपका सी स्लग है, ये आपका स्नेल है, ये आपके फिशेस हैं, ये आपका जो लिजर्ड है, ये आपका अर्थवर्म है. तो ये कौन से टर्म्स दिखा रहे हैं? मोनोमॉर्फिक. मतलब आप मेल फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. अंडरस्टूड? प्लस उसके बाद हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए ये अंडा बाहर ले किया जा रहा है, तो दीज आर ऑल व्हाट, देख रहे हो, दिस इज फ्रॉग एग्स. तो ये फ्रॉग एग्स है, इधर आप देखिए मछली का एग के अंदर बच्चे भी दिख रहे होंगे आपको, है कि नहीं? इधर भी देखिए मछली के बच्चे भी अंदर दिख रहे हैं. फाइन, तो दिस इज एम्प्लेक्सस. इसको एम्प्लेक्सस बोला जाता है, मतलब प्यार का मिलन. तो उसमें जो नीचे वाली है वो फीमेल है, जो ऊपर वाला है वो मेल है. सो नाउ दे आर एंजॉइंग द लव डांस. एंड जब लव डांस होता है तो फीमेल अपना एग रिलीज करती है एंड उसके ऊपर मेल स्पर्म रिलीज कर देता है. ओके, सो डू यू गेट सच फोटोग्राफ्स इन कालू बुक्स? चलिए, तो ये आपका है सैल्मन मछली.
तो सैल्मन मछली जब लाल हो गया है इसका मतलब वो सिवियर स्ट्रेस में है क्योंकि वो फ्रेश वाटर में आ चुका है। एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्यों फ्रेश वाटर में आते हैं, उनको झटका चाहिए एग ले करने के लिए। अंडरस्टूड? चलिए, सो दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स। आप आ जाइए, समझ में आया कि नहीं? यस हाँ, तो डोंट रिमेन साइलेंट, साइलेंट रिमेन करोगे तो तुम्हारा ही कुछ भला नहीं होगा। अब कभी कभी नेचर में एक यूनिक सा चीज देखा गया है कि अंडा जो है वो तो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाता है, मतलब उसे कोई स्पर्म वर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। समझ रहे हो? तो बॉटनी में आप क्या पढ़ोगे? पार्थेनो कार्पस। समझ रहे हो? तो इसीलिए व्हेन द एग डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अंडरस्टूड? अब अगर पार्थेनोजेनेसिस से मेल बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे अर्हिनोटोकी। अगर पार्थेनोजेनेसिस से फीमेल्स बन रहे हैं तो उसको बोला जाएगा थैलीटोकी। एंड अगर पार्थेनोजेनेसिस से दोनों मेल एंड फीमेल बन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्फीटोकी। एम्फीटोकी। ओके, तो इसीलिए एक्चुअली हनी बीज में क्या होता है, उसमें हैप्लो डिप्लॉयडी होता है। तो हैप्लो डिप्लॉयडी का मतलब क्या है कि मेल जो है वो हैप्लॉयड होता है, फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो इसीलिए क्यों डिप्लॉयड होता है? क्योंकि फीमेल एग जो है, अब जब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जब उनका सीजन आएगा तो क्वीन विल डेवलप विंग्स एंड शी विल फ्लाई एंड शी विल बी चेज्ड बाय द मेल्स विच इज कॉल्ड ड्रोन। अब ये जो ड्रोन है ये उसको फर्टिलाइज करेगा कोई एक, एंड जैसे ही फर्टिलाइज करेगा क्वीन क्या करेगी, सारा जो स्पर्म है वो कलेक्ट करके स्पर्माथिका में स्टोर कर देगी। ओके, वो स्पर्माथिका में स्टोर कर देगी। तो जब वो स्पर्माथिका में स्टोर कर देगी तो क्या होगा, अब वो वापस घर आ जाएगी, शी विल लूज हर विंग्स एंड अब वो ग्रो करना शुरू करती है एंड एग डेवलप करना शुरू करती है। अब जब एग्स उसका रिलीज होगा तो वर्कर भी देखते रहते हैं कि क्वीन कर क्या रही है। तो जिस अंडे को क्वीन ने स्पर्म से नहीं मिलाया उसको लेकर वर्कर भी क्या करेंगे, ड्रोन चैम्बर में डाल देंगे। उनका जो घर होता है हाई, उसमें ड्रोन लार्वा चैम्बर अलग होता है, ड्रोन वर्कर चैम्बर, वर्कर लार्वा चैम्बर अलग होता है। तो इसलिए जिसको वो फर्टिलाइज नहीं करेगी उसको लेकर ड्रोन लार्वा चैम्बर में डाल देंगे उस अंडे को। उसी तरह जिस अंडे को वो फर्टिलाइज करेगी उसको लेकर वर्कर लार्वा चैम्बर में डाल देंगे। समझ में आया? अब दे विल फर्टिलाइज, दे विल ग्रो अप एंड बिकम। तो जो ड्रोन है वो मेल बनेगा, माने जो ड्रोन लार्वा वो मेल ड्रोन बनेगा एंड जो फीमेल लार्वा है वो वर्कर भी बनेगी। तो वर्कर स्टेराइल होता है। ओके, तो लाइक मोर डिटेल्स हम लोग आर्थ्रोपोडा में इसका जब जब आएगा पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछिए, एग्जॉस्ट हो सर, ये ह्यूमंस में भी होता है? रहा। नहीं, ह्यूमंस में नहीं होता ये। ओके, ह्यूमंस में ये नहीं होता। सी दीज आर स्पेशल फिनोमिना, ये कोई रूल नहीं है, समझ रहे हो? तो नेचर ने किसी किसी को ब्लेसिंग दिया है। जैसे डू यू नो व्हाट इज दिस एनिमल, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। तो बहुत सारे आइलैंड्स में देखा गया है कि कोमोडो ड्रैगन जो है वो ओनली फीमेल्स हैं। ओके, ए लॉट ऑफ आइलैंड्स पीपल हैव सीन दैट द कोमोडो ड्रैगन्स आर ओनली फीमेल्स। देन हाउ दे एग्जिस्टेड, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो कैसे आए दुनिया में,
तो फिर लोगों को ने गेस किया कि ये थैलीटोकी का एग्जांपल है. ओके मतलब फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन. समझ में आया? ये है विफ्टेल लिजर्ड्स ऑफ हवाई. हवाई आइलैंड में ये मिलते हैं विफ्टेल लिजर्ड्स. बियर ग्रिल्स भी गए थे जब हवाई आइलैंड, तो वो इन्हीं को मार के खा रहा था. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ थैलीटो. ओके ये है आपका हनी बी विच इज एन एग्जांपल ऑफ आर्हिनोटोकी. ओके आर्हिनोटोकी इन बीज. फाइन ये दोनों है थैलीटोकी का एग्जांपल. फाइन अब यहाँ आप देख रहे हो एफिड्स. तो एफिड्स में क्या देखा गया है? सो दैट इज कॉल्ड एम्फीटो. ओके एम्फीटोकी इन एफिड्स. क्लियर? सो ये आपका एफिड्स में एम्फीटोकी देखा गया है. चलिए और बोलिए. एपिडेक्टर का इंसेक्ट है? यस यस दीज आर इंसेक्ट्स विच आर फाउंड वेयर अंडर द लीव्स. अगर आपके घर में जो ये प्लांट है आप देखोगे, अगर कोई भिंडी है या अगर आपके घर में कखरू है, ओके तो इस तरह से कोई प्लांट है तो आप देख सकते हो. अदरवाइज भी अगर आपके घर में ये जो उसको क्या कहते हैं हिबिस्कस, मंदार फूल, जबा जबा, बंगाली में उसको जबा फूल बोलते हैं एंड ओडिया में मंदार फूल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बोलिए? हिबिस्कस. हिबिस्कस तो जूलॉजी में बोलते हैं, चाइना रोज. तो इसलिए हिबिस्कस इज ए बॉटनिकल नेम. ओके तो उसको चाइना रोज बोला जाता है. तो अगर आप चाइना रोज के प्लांट्स में देखोगे तो फूल या पत्तों में ऐसे व्हाइट 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 कलर के हो गए होंगे. सो दे आर कॉल्ड एफिड्स एक्चुअली. उसको अगर थोड़ा लेंस में देखोगे तो इस तरह से फोटो दिखेंगे. ये हाईली मैग्निफाइड व्यू है, ये इतना बड़ा बड़ा दिखता नहीं है. ठीक है तो ये आपके अलग अलग तरीके के एफिड्स. चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बच्चा रहना पसंद करोगे या बड़ा बनना पसंद करोगे? बोलिए. बच्चा. वुड यू लाइक टू रिमेन अ चाइल्ड या वुड यू लाइक टू क्या? वुड यू लाइक टू रिमेन अ चाइल्ड और वुड यू लाइक टू डेवलप इनटू एन एडल्ट? बोलिए. चाइल्ड में कोई टेंशन नहीं होता है. अब आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपका हेडेक नहीं है, क्योंकि वो तो डैडी का हेडेक है. वो जैसे भी वो खाना ला के देंगे. समझ रहे हो? अब डैडी बेचारे क्या हैं, उनको खाना लाने का टेंशन है. अब कुछ दिनों में साइक्लोन आने वाला है तो कैसे फूड लाया जाए कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो. ओके इस तरह से. तो दैट इज हिज जॉब. मदर जॉब इज टू कुक, टेक केयर एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. बट आपका जॉब क्या है? खाओ पियो मस्ती करो, बस खत्म. तो दैट इज द कंसेप्ट. पहले तो आप लोग स्कूल उल जाते थे, अब वो भी नहीं जाते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करते हैं. तो दैट इज द केस. समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बच्चा रहना पसंद करते हैं तो वो उनको भी अच्छा लगता है, एनिमल्स को. तो डू यू नो कि फ्रॉग्स कौन सा चैनल देखते हैं? ये एक आया हुआ क्वेश्चन है. विच इज द फेवरेट चैनल ऑफ फ्रॉग्स? एम्फीबियंस टू बी प्रिसाइज. कार्टून चैनल्स. बोलो क्यों? वो तुम्हारे ऐसे सिंचन है क्या? अब तुम लोग ये ज्यादा सिंचन देखकर ही बदमाशी करते हो. क्लास चल रहा है उधर नेट पे अपना काजू क्लास कर रहे हो. चलिए तो अब वो जो गधा है कौन, वो मेरा बोल रहा था वो लड़का, तो वो इधर मेरा क्लास कर रहा है, उधर वो कोई काजू भाजू क्लास करके कुछ ढूंढ के निकाल दिया है. चलो तो बताइए, तो विच इज द फेवरेट चैनल ऑफ एम्फीबियंस? एक्चुअली एम्फीबियंस का प्रॉब्लम आप जानते हो?
कि उनका जो लार्वा है वो एक्वाटिक एडेप्टेशन है, वो एक्चुअली बीच में फंस गया। देखो फिश लोग क्या है, वो जिंदगी भर पानी में रहते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग जिंदगी भर लैंड में रहते हैं, बट ये जो एम्फीबियंस हैं गधे, ये फंस गए बीच में। इनका आधा लाइफ साइकिल पानी में होता है एंड आधा लाइफ साइकिल लैंड में होता है, तो इसीलिए उनको हर समय क्या डर होता है, कहीं पानी सूख ना जाए। तो बिफोर ड्राइंग ऑफ वाटर दे शुड बिकम व्हाट, बोलो? टेरेस्ट्रियल एडल्ट्स। यस, एडल्ट टेरेस्ट्रियल, क्योंकि पानी के सूखने से पहले उनको एडल्ट बनना पड़ेगा। तो इसलिए चेंजिंग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। वेरी गुड, सो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। समझ? अब ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, तो ये जो आपका मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, ये आपका चेंज कर देता है। बट तो अब विच प्रोग्राम दे विल सी टेल मी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सर वेदर प्रोग्राम, वेदर फोरकास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अब समझ में आएगा। इसलिए आई लाइक सौरदीप, वो गुड बॉय है, तो उसको मैं नोट दूंगा। चलो, बट प्रोवाइडेड ही प्रॉमिसेस ही डज नॉट शेयर इट विद अदर्स बिकॉज आई प्रमोट सेल्फिशनेस। चलिए, तो अगर वो ज्यादा दोस्ती निभाएगा तो नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब व्हाट हैपेंस, अब वो वेदर रिपोर्ट देखते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस दे ले एग्स वेयर, इन सम पॉटहोल्स इन द रोड, या आपके घर में अगर कोई टायर है वहां पानी भर गया है, उधर अंडा दे देंगे ऐसे। तो इसीलिए उनको हर समय किस चीज का डर होता है, अगर आप देखोगे, जहां पहले तो लोग साइकिल वाइकल चलाते थे, आजकल तो साइकिल एक लग्जरी आइटम हो गया है, ओनली जो वेट लॉस वाले यूज करते हैं, बच्चे आजकल तो साइकिल चलाते नहीं है। तो इसलिए साइकिल अगर आप यूज करते हैं तो पंक्चर वाला दुकान देखे हो कि नहीं, वो पानी रखता है एक जगह पर। यस सर। तो आप देखोगे जनरली लॉट ऑफ पंक्चर वाला दे डोंट रिप्लेस दैट वाटर। तो अगर आप ध्यान से उधर देखोगे ना, आपको मच्छर के लार्वा बच्चे दिखेंगे, समझ रहे हो? यू कैन सी द लार्वा एंड प्यूपा। तो इसीलिए इसी तरह के टेम्पररी पॉट होल्स में दे गिव एग्स। तो इसलिए व्हाई दे आर सीइंग वेदर फोरकास्ट कि बारिश अब होगा ना सूख जाएगा, ओके? बिकॉज अगर बारिश होने वाला है और 4-5 दिन, तो विल दे गो फॉर मेटामॉर्फोसिस या विल दे डिले इट? दे विल डिले इट। और क्या भाई, बचपन में रहने दो, क्या दिक्कत है? जैसे देखो समर वेकेशन आपका हो गया, अभी समर वेकेशन का जैसे ही 16th-17th डे आएगा, अभी क्या है ना, अभी तो स्कूल हो नहीं रहा है इसलिए आप लोग का इतना अट्रैक्शन नहीं है, बट जब आप स्कूल जाते थे, ऑफलाइन क्लासेस करते थे, तो अगर समर वेकेशन हो गया तो बहुत सारे बच्चे समर 16th-17th तक समर वेकेशन है, वो 16th को न्यूज देखते हैं। क्यों न्यूज देखते हैं बताओ संकल? कि बारिश होगा कि नहीं। बक इडियट, व्हाट आर दे सीइंग इन द न्यूज? मंजिष्ठा, फिर समर वेकेशन एक्सटेंशन अगर ज्यादा धूप हुई तो। देख रहा कितनी बदमाश है मंजिष्ठा पंडा, बिकॉज उसको पता है कि दे आर जस्ट विलिंग टू सी व्हाट विल बी यू प्रेइंग इन द 14th or 15th, कि और कड़क धूप हो और सनस्ट्रोक हो तो स्कूल छुट्टी बढ़ा दे, है कि नहीं? तो इसीलिए जितना छुट्टी बढ़ जाए उतना मजा है। अभी क्या है, स्कूल नहीं हो रहा है इसलिए आप कब स्कूल होगा सोच रहे हो, बट पहले जब स्कूल होता था तो दे यूज टू एक्सपेक्ट कि अरे यार थोड़ा सा छुट्टी एक्सटेंड हो जाए, तो दैट इज, तो एवरीबडी वांट्स टू एक्सटेंड द लार्वल फॉर्म। आप चला जाए काम के लिए। देखो आप लोगों ने आज, देखो आपको मैं सोच रहा था नोट दूं, बट आप लोगों ने आज फिर डिसोबे किया। मैं तब से बोल रहा हूँ कि डिस्कशन के टाइम वीडियो ऑन, आपने नहीं किया तो गया नोट आपका, तो इसलिए ना अगेन यू हैव मेड द मिस्टेक। ना क्या बोल रहे हो सौरदीप?
बताइए सर, गलती हो तो क्या? आप तो ऐसे ही गलती करोगे तो अब आपको अगला साल भी नोट नहीं मिलेगा। चलो तो इसलिए अभी आपका दोनों साल का पीडीएफ मिलना कैंसिल हो गया। ओके चलिए, ये क्यों बार बार उधर जा रहा है। चलिए सो ना दिस इज द ये तो ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नियोटेनी। तो व्हाट इज नियोटेनी? रिटेंशन ऑफ लार्वल फॉर्म। अगर लार्वा लार्वा रह जाए और एडल्ट ना बने तो उसको क्या कहते हैं? नियोटेनी। आप देखोगे जेजेस नोट और बाकी नोट कंपेयर करोगे ना, उधर असंख्य मिस्टेक्स मिलेंगे क्योंकि जेजेस हर चीज क्रॉस चेक करके देता है, समझ रहे हो? इसलिए आपको जैसे वो जो पागल है जो दूसरा चैनल देख रहा था भाई, आप मैंने जब जेजेस लिख दिया ना वो फाइनल होता है, ये मान के चलो। चलिए बिकॉज आप ये सब देखोगे ना बुक टू बुक बहुत वेरिएशन मिलेगा। ओके अब तो रिटेंशन, अब जैसे क्या है पार्शियल नियोटेनी? पार्शियल नियोटेनी का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा डिले कर दे, संकल्प 14 तारीख को मेटामॉर्फोसिस कर देना। ओके तो अब संकल्प द फ्रॉग वाज आस्क्ड टू मेटामॉर्फोस ऑन 14th, बट अभी तो साइक्लोन आ रहा है क्या 25th, तो 25th को उसको मेटामॉर्फोसिस का ऑर्डर मिल गया, बट 26th को क्या आने वाला है बोलो? साइक्लोन। तो साइक्लोन आएगा तो क्या होगा? बारिश होगा। बारिश, बारिश होगा तो तुम्हारे पानी का क्या होगा? वेल मेंटेन रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? तो आपका एडल्ट मेटामॉर्फोसिस करोगे ना, थोड़ा और घुंचा दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, डिले कर दें, समझ आया? तो देख रहे हो, तो इसीलिए पार्शियल नियोटेनी एक कॉमन सा फिनोमिना है, मौसम देखकर वो अदल बदल कर जाता है। बट इंटरमीडिएट नियोटेनी का मतलब क्या है? कि ये जो एनिमल्स हैं दे लिव इन परमानेंट वाटर बॉडीज, जैसे कोई नदी में, जैसे कोई तालाब में, तो वहां तो पानी सूखने का चांस ही नहीं है ना, तो इसीलिए दे लिव इन परमानेंट वाटर बॉडीज एंड जनरली डू नॉट मेटामॉर्फोस। भाई जब आप परमानेंट पानी में हो तो आपको कोई टेंशन है? सी अर्लियर व्हाट हैपेंड, जैसे माय फादर व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट हम लोग पैदा हो गए थे, क्योंकि पहले लोग जल्दी शादी कर लेते थे। अभी देखो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरा बेटा अभी 9th class में चला गया है एंड माय फादर इज हेल एंड हार्टी, ही इज एंजॉयिंग लाइफ। तो इसका मतलब क्या है बोलिए? इसका मतलब ये है कि सिंस वो अर्ली मैरिज कर लिए तो उनका नाती भी है। अब व्हेन माय फादर कम्स होम, एक्चुअली वो मेरे फार्म हाउस में रहते हैं, तो अब जब डैडी घर आते हैं ना तो मैं कुछ भी काम नहीं करता। सब्जी लेने कौन जाएगा बोलो? डैडी। डैडी खाना कौन पकाएगा? डैडी। फ्रूट्स काट के कौन देगा? डैडी। ओके बिकॉज आई लव टू ईट वाटरमेलन, बट वाटरमेलन का सबसे बड़ा हेडेक क्या है बोलो? तो काटना, बीज काटना कोई हेडेक नहीं है उसका, बीज। अब क्या करेंगे, कितना सीड आता है, कितना फेंकेंगे? और सपोज आप लोग एक रूम में खा रहे हो, सपोज हम लोग घर में खा रहे हैं आपका डाइनिंग रूम में, तो वेयर विल यू, आप क्या फेंकते रहे बीज ना, क्या ना तुम्हारे मुंह पे फेंक दूं बीज, तो समझ रहे हो? तो इसलिए उसका हेडेक है बीज। तो जब डैडी आते हैं ना मैं बहुत ज्यादा वाटरमेलन लाता हूँ, क्यों? बीज को निकालेगा डैडी, वो निकाल दूंगा। Yes, when my father comes, he will drink watermelon, he will cool it and he will remove the seeds and he will put salt and chaat masala and usko toothpick laga ke denge and khayega kon? Yes, samajh rahe ho? To isi liye
when my father is in my house, तो I behave like a larva, समझ रहे हो ना? But अब daddy farm में है, तो अब who will bring vegetables? Who will cut the watermelon? You will cut. Who will cook the food? You will cook. समझ रहे हो? अब साला सब काम मेरे को ही करना पड़ेगा. So that is why, देख रहे हो? इसलिए एडल्ट होना किसी को अच्छा नहीं लगता है. ओके, इसलिए वी आर वेरी हैप्पी दैट माय फादर इज देयर एंड मदर इज देयर. तो जब वो है तो करे काम, हमको क्या है, ठीक है? नहीं तो लाइक दैट. तो इसीलिए अगर परमानेंट वाटर बॉडीज में आप रहते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है. तो आपको मेटामॉर्फोसिस करना है ना नहीं करना है? नहीं करना है. अरे तो समझ आया, तो आपको मेटामॉर्फोस नहीं करना है. तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, इंटरमीडिएट नियोटेनी. उसका बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, उसका एग्जांपल है एक्सोलॉटल लार्वा. ओके, एक्सोलॉटल लार्वा, फाइन. तो एक्सोलॉटल लार्वा जो है वो इसका बढ़िया सा एग्जांपल है. बट आपको शांति नहीं है, ये जो संकल्प है ये महा उद्दंड छोरा से है. सो महाबदमाश है वो, क्या करेगा, जबरदस्ती उन एक्सोलॉटल को उठा के लाएगा, उसको थायरॉक्सिन दे देगा. तो क्या होगा थायरॉक्सिन देने से, दे विल मेटामॉर्फोस. वो बेचारे जबरदस्ती उनको मेटामॉर्फोसिस कर देता है. दिस नॉनसेंस. तो इसका मतलब है इसके जान के पीछे पड़ा है वो बेचारे. अब वो बड़ा मस्ती से रह रहे हैं, उसको जबरदस्ती आप एडल्ट बना रहे हैं. ओके, तो ये एक्चुअली इधर लिख दूंगा तो नीचे चला जाएगा. एम्बिस्टोमा, अरे बाबा की कोरबो रे बाबा, छोटा कर दीजिए, एक छोटा कर देते हैं आपका, नहीं तो क्या ना नीचे सारा हिल जाएगा, वही टेंशन है. चलिए, तो जो एम्बिस्टोमा लार्वा है ना, क्या एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा, तो ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है. चलिए, बट टोटल नियोटेनी का मतलब क्या है, ये दे हैव फॉरगॉटन मेटामॉर्फोसिस एंड उनको हम लोग परमानेंट लार्वा बोलते हैं. कोई शक? तो उनको हम परमानेंट लार्वा बोलते हैं. उनको आप बाल्टी बाल्टी थायरॉक्सिन पिलाओगे तब भी क्या होगा, वो एडल्ट नहीं बने, वो जिंदगी भर लार्वा. अंडरस्टूड? इफ यू सी द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, तो अभी प्रिंस फिलिप्स ही डाइड एक्चुअली. तो वो जो प्रिंस फिलिप है वो किंग फिलिप क्यों नहीं बने? क्वीन एलिजाबेथ है अभी भी. हाँ, नहीं नहीं क्वीन, हाँ उनकी मम्मी अभी भी है, समझ रहे हो ना, वो मम्मी ना उसके हस्बैंड है वो. आई डोंट रिमेम्बर. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, अगर आपका माने फादर जिंदगी भर के लिए आपके जिएंगे तो आप कभी भी एडल्ट नहीं बनोगे. तो इसलिए ये लोग क्या है ना, ये लोग एडल्टहुड भूल गए हैं एंड इनका थायरॉक्सिन रिसेप्टर ही नहीं बनता है. इसलिए संकल्प या उसका चाचा दोनों भी कुछ मर्जी कर दें, क्या नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस. सो दे आर कॉल्ड परमानेंट लार्वास. अब आप देखो, सपोज मैं नियोटेनी का एग्जांपल बोलूं, आपको कौन सा एग्जांपल बेस्ट है, परमानेंट वाला ना इंटरमीडिएट वाला ना पार्शियल वाला? परमानेंट वाला. बट आप दुनिया मर्जी के बुक ढूंढ लो, आपको कहीं भी ये एग्जांपल नहीं मिलेगा, आपको हर जगह एक्सोलॉटल दिखाएगा, समझ रहे हो? बट एक्सोलॉटल तो बदल जाता है ना. तो अब सुनिए. हाँ बोलो सर, ये जो परमानेंट लार्वा रहते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अब सुनो, अब मेरा डैडी तो है अभी एंड मेरे भी दो बच्चे हैं, तो बच्चा बनाए बच्चा, तो मैं भी एक छोटा सा बेबी. चढ़ा अभी मैं एक छोटा सा बेबी हूँ एंड मेरे भी छोटे छोटे बेबी हैं, समझ रहे हो? तो बच्चा बनाए बच्चा
उसको क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, बुझला? तो भाई आप जब एडल्ट बनोगे ही नहीं तो आपको तो बच्चा बनाना पड़ेगा ना। तो नाउ व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस टू बोलिए? दे आर एक्सोलॉटल लार्वा, समझ रहे हो? एंड ये कौन है? सो दिस इज एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम। तो ये है कौन बताओ? आजा भैया, एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम। ओके, तो ये आपका एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम है एंड ये इसका एडल्ट है। अंडरस्टूड? तो एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम इज द एडल्ट एंड ये दोनों कौन है? एक्सोलॉटल लार्वा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोलॉटल लार्वा। अरे बाप, उधर कहाँ जा रहा है? इसको यहाँ लिखेंगे, बड़ा दुखी करता है। एक्सोलॉटल लार्वा, समझ रहे हो? तो ये एक्सोलॉटल लार्वा है। ओके सर, ये इंटरमीडिएट न्यूटनी और एक्सट्रीम न्यूटनी दोनों प्रोसेस को ही पेडोजेनेसिस कहते हैं? क्या बकवास कर रहा है सर? आपने यहाँ पर लिखा है डेश ऑफ पेडोजेनेसिस, यहाँ पर भी लिखा है डेश ऑफ पेडोजेनेसिस। एक झापड़ मार दूंगा तो देशो पीडोजेनेसिस का मतलब वो न्यूटन ही है। अरे महागधे, अब जब ये भी, ये तो हु मेड देम एडल्ट्स, संकल्प। अरे उनको एडल्ट कौन बनाया? संकल्प बनाया ना तुम्हारे सामने। तो जब संकल्प को हम बांध के रख देंगे घर में तो वो एडल्ट बनेंगे ना नहीं बनेंगे? बनेंगे। हाँ, नहीं बनेंगे तो फिर वो बच्चा कैसे बनाएंगे? पीडोजेनेसिस। समझ आया? तो आया समझ? तो इसीलिए जब वो एडल्ट बनेंगे ही नहीं एंड रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीडोजेनेसिस। ओके, यस सर। चलिए, तो इसीलिए पीडोजेनेसिस आप इंटरमीडिएट न्यूटनी में देखोगे एंड टोटल न्यूटनी में देखोगे, बट पार्शियल में नहीं देखोगे। ओके, चलिए, तो दीज आर एक्चुअली द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट न्यूटनी। इसको नेक्यूरस बोला जाता है एंड इसको प्रोटियस बोला जाता है। ओके, तो दीज आर परमानेंट लार्वा, ये जिंदगी में कभी भी क्या मेटामॉर्फोसिस नहीं करते। कोई शक? टॉपरेट वाला कौन सा? सुनाई नहीं दे रहा है। टॉपरेट फोटो में कौन सा एनिमल है बता से बोल सकते हैं? अच्छे से बोलो, आपका एक्चुअली लैग वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। जो टॉपरेट वाला जो प्रोटियस के ऊपर एनालॉजी। हां, ये दोनों इंटरमीडिएट न्यूटनी, तो ये दोनों एक्सोलॉटल लार्वा है। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है उसका, देख रहे हो? एक्सटर्नल गिल्स है। अब ये एक्वाटिक है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये लैंड में है, ये पानी में है। पानी में है इसलिए गिल्स है, पानी में है इसलिए टेल है, देख रहे हो कि नहीं? बट लैंड में आ गया तो गिल्स भी चला गया एंड टेल भी चल, टेल मॉडिफाई हो गया। तो ये देखो, ये स्विमिंग टेल है बट ये लैंड वाला टेल है। ओके, यस। और बोलिए। ओके, तो इफ यू, दीज आर ऑल ब्यूटिफुल कंसेप्ट। तो ये सब आपको कालू फालू में नहीं मिलेगा, दीज आर स्पेशल जेसीआरटी कंटेंट। ओके, अब हम लोग वही पीडोजेनेसिस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या है, जो आपका एक्सोलॉटल लार्वा है या जो आपका परमानेंट नियोटेनी है, इन दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे कि जो लार्वा है वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, चलिए, अब उसमें देखिए, मैंने आपको स्टोरी भी दिया हुआ है। द एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा मेक्सिका का लिव्स इन द लेक्स ऑफ जोशीमिल्को इन द हाईलैंड्स ऑफ मेक्सिको एंड एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम इन हाईलैंड्स ऑफ कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका।
environmental characters affecting mutant ER, abundance of food, cold temperature, insufficiency of iodine. तो जब आप कहीं मैंने why they are unable to metamorphose, जो जो axolotl है वो क्यों metamorphosis नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ thyroxine नहीं बन पाता. थायरोक्सिन क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि थायरोक्सिन बनने के लिए क्या चाहिए हमें, आयोडीन. तो अगर आप जैसे आयोडीन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन बोलो, आयोडीन का सोर्स क्या है, सी वाटर. सी वाटर सॉल्ट तो तुम खाते हो ना, पागल लोग हो ना. अरे बाबा तुम्हें सीझेगी खाऊच बोली सॉल्ट खाऊच, वो जानवर का खाना बनाए कोई देता है. तो इसीलिए समुद्री मैराइन फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन. ओके, तो आप समुद्र से जितना दूर जाओगे उतना क्या चांसेस बढ़ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ओके, तो एज यू गो अवे फ्रॉम द ओशंस आपका आयोडीन डेफिशिएंसी होगा. अब ये लोग कहाँ है देखो, हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ कोलोराडो, हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ मेक्सिको, तो वहां तो समुद्र है नहीं, तो इसीलिए उधर क्या है. ये आप गूगल में मार के देख सकते हो, जो सी मिल्को. ओके, ये जो लेक है इसको आप देख सकते हो, इज अ वेरी वेरी फेमस स्पॉट इन मेक्सिको. ओके, चलिए तो समझ में आया. नाउ रीजनरेशन क्या है, अब तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनरेशन. ओके, तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, आप जो ये सौरदीप है वो बदमाशी कर रहा था तो मैंने उसका उंगली काट दिया, तो आप आफ्टर वन ईयर आपके कितने उंगली रहेंगे, एक हाथ. हाँ, टोटल फिंगर्स नाइन हो जाएगा. बट अगर मैं स्टारफिश से गुस्सा होकर उसका एक टांग काट दूं तो एक महीने बाद कितना टांग होगा, 5. तो सपोज 5 टांगे थे, अब मैंने एक काट दिया, एक महीने बाद 5 हो जाएगा. तो जब स्टारफिश का एक महीने बाद 5 हो जाता है, ये सौरदीप बंगाली का क्यों नहीं होता है, 10. बोलो, रीजनरेट नहीं कर सकता, रीजनरेशन होता. यस, तो एक्चुअली सौरदीप इज वेरी अनफॉर्चुनेट, उसमें रीजनरेशन ऑफ फिंगर्स नहीं होता है. समझ में आया, तो इसीलिए रीजनरेशन जो है वो एक रेयर फिनोमिना है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है. अंडरस्टूड, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स यू विल सी दैट दे रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स. ओके, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ रीजनरेशन में आप देखोगे 2-3 तरफ है, एक है रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट से, जैसे आप स्टारफिश का क्या हुआ, उसका पूरा आर्म वापस आ गया. ओके, बट इन केस ऑफ सौरदीप क्या होगा, उसका ब्लीडिंग साल भर अभी तक चल रहा है ना, बंद हो गया. मतलब आपका स्किन आ गया बट क्या नहीं आया, फिंगर. समझ रहे हो, तो इसीलिए इन केस ऑफ सौरदीप रिपेरेटिव रीजेनरेशन हो गया, मतलब जो उंगली गया था उस जगह चमड़ा आ गया, रिपेयर हो गया, बट रिस्टोर नहीं हुआ. समझ आया, तो रिस्टोरेटिव मतलब वापिस आ जाना, रिपेरेटिव मतलब रिपेयर कर देना. अब उसमें एक स्पेशल टाइप है एपिमॉर्फोसिस एंड अनदर टाइप है मॉर्फोलैक्सिस. अब देखिए, अब मैंने स्टारफिश लिया. ओके, लेट अस गो टू ए ब्लैंक पेज, न्यू सब पेज नहीं आ रहा है ना. चलिए अब देखिए, यहां मैं एक तो सब पेज ऐड करता हूँ. हाँ बोलो, ये नाइन है, अब सुनिए,
अब हमारा जो स्टारफिश है ना, सपोज ये है हमारा क्या, दिस इज ए स्टारफिश, आर यू एबल टू सी दिस बर्ड? वी कैन सी, यस 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 सर, यस सर. Why? Because I am not using team board. तो इसीलिए अब हमने स्टारफिश का क्या किया, उसको काट दिया, जा बदमाश. तो अब हमने क्या किया, I cut one arm of the starfish. तो अब वो क्या बन गया, four arm starfish. And इधर क्या बन गया, एक single arm. Okay? But अगर दोनों बच गए, एक्चुअली व्हाट स्टारफिश डज व्हेन इट इज चेज्ड बाय अ प्रेडेटर, वो आपका एक आर्म काट के दे देता है लेखा. तो अब वो प्रेडेटर को क्या दे देता है, आर्म. तो अब प्रेडेटर का चॉइस है, वो आर्म को खाए या स्टारफिश को खाए. तो सपोज वो आर्म खा गया, तो व्हाट विल हैपन, स्टारफिश विल रिजेनरेट इट, है कि नहीं. बट अगर प्रीडेटर स्टारफिश को खा जाए तो इसका क्या होगा, इट विल रिजेनरेट द बॉडी, समझ रहे हो. तो इसीलिए अगर लॉस्ट पार्ट रिजेनरेट द बॉडी, बॉडी रिजेनरेट द लॉस्ट पार्ट, तो इसको क्या बोला जाता है, मॉर्फो लैक्सिस. ओके, बट ओके, बट अब मैंने सौरदीप का क्या किया, जो सौरदीप दादा है, तो उसका मैंने क्या किया, ये फिंगर्स है. तो अब मैंने उसका क्या किया, वो मेरा एकलव्य है, तो मैंने उसको क्या बोला, फिंगर दान दो. तो आप मैंने सौरदीप का फिंगर काट दिया, तो अब उसका क्या हो गया, फोर हैंड एंड वन फिंगर. तो अब सपोज सौरदीप कैन मेक हिज फिंगर, ओके, बट फिंगर कैन नॉट मेक सौरदीप, तो इसको बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस, समझ रहे हो. तो दिस इज जनरली सीन इन लिजर्ड्स. लिजर्ड्स में क्या होता है, बॉडी रीजेनरेट्स द टेल, बट क्या, टेल कैन नॉट रीजेनरेट बॉडी, टेल कैन नॉट रीजेनरेट बॉडी. कोई शक, any doubts बताइए. no doubts, समझ में आया नहीं, बताओ गुरु गुरु क्या कर रहे हो. yes sir, समझ में. yes sir. तो अगर बॉडी अपना लॉस्ट पार्ट रिजेनरेट करता है एंड लॉस्ट पार्ट बॉडी को रिजेनरेट कर पाता है, सो दैट इज मॉर्फोलैक्सिस. ओके, तो देखा है, द फॉर्मर इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस, द रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट को एपिमॉर्फोसिस बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट उसको हम मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं, समझ आया. सो दिस इज द केस. तो एपिमॉर्फोसिस का एग्जांपल क्या है, न्यूट, लिजर्ड्स एटसेट्रा. एंड आपका मॉर्फोलैक्सिस का एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश, प्लैनेरिया, हाइड्रा एटसेट्रा. ओके, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, मॉर्फोलैक्सिस और फ्रेगमेंटेशन क्या हम उसे सेम बोल सकते हैं? आप फ्रेगमेंटेशन क्या है सर, ऐसे एक बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. चुप, जब कोई चीज जानते नहीं हो तो बकबक मत क्या करो. सेगमेंटेशन अलग चीज होता है. आप फ्रैगमेंटेशन बोलना चाह रहे हो, फ्रैगमेंटेशन, समझ आया, आया कि नहीं समझ में.
सर नहीं तो नहीं आया तो होगा वो। अरे गधा, तुम जो बोल रहे हो वो फ्रेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन नहीं है। ओके, तो सर मैं अगर फ्रेगमेंटेशन ही बोल हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन अगर होगा तो आप क्या बोल रहे हो, इज फ्रेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन सेम, यही पूछ रहे हो हाँ सर, रीजनरेशन का मॉर्फोल एक्सेस। आप। बेटा तू ही इसका जवाब दे, बोल बोलो। नाउ यू आंसर द सेम क्वेश्चन। रीजनरेशन में अगर हम बॉडी को आप पार्ट्स में बेटा काट सुन, आप बेटा सुन, आप बेटा सुन, अभी तेरे में टोटे टोटे कर दूंगा। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ टोटे टोटे कर देना, बस। वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड पंजाबी। तो अब आपका जब मैं टोटे टोटे कर दूंगा तो विल यू रिजनरेट भैया? दोस्त। ताहले तो ये बकवास क्वेश्चन तुम पूछा क्यों, समझ में आया? तो फ्रैगमेंटेशन अलग कंसेप्ट है, रीजनरेशन अलग कंसेप्ट है। फ्रैगमेंटेशन में अगर आप में रीजनरेशन की कैपेसिटी है तो आपका बॉडी वापस आ जाएगा। जब राम जी ने काट दिया रावण का सर, तो रावण ऐसे हंस रहा था। क्यों हंस रहा था बोलो? रीजन क्योंकि वो उसका सर वापिस आ जाएगा, समझ रहे हो? तो दैट इज वाई इट वॉज लाफिंग। बट उसी तरह अगर मैं तेरा सर काट दूं तो विल यू लाफ? नो, सर क्योंकि तुम रावण नहीं हो, तुम्हारा सर वापिस नहीं आने वाला है। इसीलिए इफ गॉड हैज गिवेन यू दैट एडवांटेज, देन यू कैन गेट बैक योर लॉस्ट पार्ट, इफ नॉट यू विल नॉट गेट पार्ट। तो हाउ दे आर सेम, समझ रहे हो? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर, अब हाँ बोलो। हम लिबर्टी केस में क्या कह सकते हैं? यस, इन आवर बॉडी लिवर कैन रीजनरेट। एक्चुअली हमारे बॉडी में कुछ चीजें हैं जो रीजनरेट कर सकता है, एक है लिवर एंड एक है स्किन, समझ रहे हो? तो अगर आपको मैं नोच दूंगा तो 10 दिन बाद नोचने का निशान रहेगा ना? नहीं सर, नो सर। नहीं रहेगा, क्योंकि स्किन वापस आ जाएगा। बट ओके, उसी तरह अगर आप अपना लिवर का 50% पकौड़ा बना के खा लो तो बाकी 50% क्या करेगा? आपका लिवर को रिजेनरेट कर देगा। ठीक है जी? सर दिस इज ओनली इन ह्यूमन केस और इन ऑल ऑर्गेनिक। जे जे सर इज ए टीचर, इज नॉट गॉड। हाउ आई विल नो ऑल ऑर्गेनिज्म, बताओ? समझ रहे हो? तो जो टीचर लोग आपको बोलते हैं ये सब में होगा, वो गधे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई सब में क्या। मैं 12 मिलियन एनिमल्स का हिस्ट्री जानता हूँ, बताओ? नहीं सर, मैं कह रहा था कि मीन्स इंसान के अलावा और कोई है जो लिवर रीजन। अब वो भी मैं कैसे जानूंगा? अच्छा सर, ओके सर। ताले? तो ये सब जब आप पढ़ोगे, सपोज यू आपको किस एनिमल पे रुचि है, भालू, अब आप लाइफ साइकिल ऑफ भालू को डाउनलोड करो एंड देखो उसमें रिजनरेशन होता है कि नहीं, एंड सो ऑन। बिकॉज हम रैंडमली ये सब नहीं बोल सकते। चलिए अब नेक्स्ट टर्म है हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। ओके, तो व्हाट इज विंटर स्लीप बोलिए। एक्चुअली बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टर्म, कौन सा टर्म बोलो, व्हिच टर्म वी डिस्कस यस्टरडे? होमियोथर्मी एंड पॉइकिलोथर्मी, समझ में आया? याद है? तो व्हाट इज होमियोथर्मी बोलो?
वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. अगेन दैट इज अ रॉन्ग आंसर माय डियर सौरदीप. टेल द आंसर अगेन. सर जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते. यस दोज एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. कोई शक? तो ये जानिए. देखो हर बुक का डेफिनेशन एंड जजेस का डेफिनेशन में फर्क होता है क्योंकि हम लोग क्लोज टू आंसर होते हैं. ओके भाई बॉडी टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाएगा? कोई मजाक चल रहा है बेटा? हैं बाहर 0 degree और तेरा 37 रहेगा, बाहर 50 degree है तेरा 37 रहेगा. क्यों? तुम कोई रोबोट है? नहीं हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. बस तो इसीलिए अगर देखो अगर जेजे सर चेक करेंगे ना आप रेगुलेट टर्म यूज मेंटेन नहीं यूज करोगे. रेगुलेट अगर आप रेगुलेट शब्द नहीं देंगे तो हाउ मच मार्क आई विल गिव मंजिष्ठे? 0. वेरी वेरी स्वीट. आप वो रसगुल्ला खा रही है इसलिए उसको 0 समझ में आ रहा है. बट तो इसलिए जब भी आप वार्म ब्लडेड बोलेंगे यू विल राइट they can regulate their body temperature and maintain at a constant value. Samajh mein aaya? So what are cold blooded? Those who cannot regulate their body temperature. So their body temperature varies with the surrounding. Bahar 0 to andar 0, bahar 50 to andar 50. To agar bahar 0 andar 0 hoga तो एंजाइम्स काम करेंगे ना? नहीं नहीं काम करेंगे. तो तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? हम लोग इनएक्टिव हो जाएंगे. इनएक्टिव स्टेज. नो बेबी यू विल डाई. समझ आया? तो इसीलिए एंजाइम्स अगर काम नहीं करेगा सारे तो आप मर जाओगे. समझ आया? Yes, अगर आप मरने को इनएक्टिव बोल रहे हो अलग बात है. मतलब आपको जितना जगाया जाए आप अब जागने वाले नहीं. तो इसीलिए कैन वी मेक आवर बॉडी टेम्परेचर 0? तो गो एंड हाइड. तो आप ऐसे जगह जाके छुप जाइए जहां बॉडी टेम्परेचर वार्म रहेगा प्लस आप मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर दीजिए. थोड़ा थोड़ा एनर्जी लाइए ताकि आपका ब्रेन काम करेगा एंड ताकि आपका क्या हार्ट काम करेगा ताकि आपका थोड़ा सा रेस्पिरेशन सी थोड़ा थोड़ा काम करे. बट ऐसा नहीं कि आप पूरे मजे से काम करो. आप सपोज आप विंटर है आप कोल्ड ब्लडेड हो एंड बाहर घूम रहे हो तो व्हाट हैपेंस? जो स्टोरेज आपने किया होगा वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद ना खाना मिलेगा तो अब आप मर जाओगे. तो इसीलिए यू हैव टू ये आप स्टोरी पढ़े थे ना आप बचपन में एंट वाला स्टोरी दैट जो एंट ने तो लाइक दैट. समझ में आया? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो इसीलिए व्हाई आर वी हाइबरनेटिंग? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड and avoid falling of body temperature to zero low levels. Okay? So, is, but फिर आप जियो के कैसे? हम लोग basic metabolism चलाएंगे, कम से कम खर्च करेंगे, only essential activities करेंगे. Okay? अब जैसे ये कोरोना काल है, तो कोरोना काल में आपको बाहर जाने के लिए मना किया जाता है. तो आप जैसे बंगाली है सौरदीप, जनरली बंगाली पीपल क्या होता है वो 20-30 आइटम खाते हैं. ओके तो आप नाउ विल यू गो फॉर 20-30 आइटम ना 1 आइटम? चलो दिन दादा सर 1 आइटम. व्हाई? क्योंकि अगर आप 20-30 आइटम खाओगे तो हर दिन मार्केट जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप yes. अभी कंजर्व करिए, ये असुविधा का समय है. अब इधर आप सुविधा सपोज आप जिसको भी बोलोगे बाहर जाके लाने के लिए there is a chance that he gets the infection, है ना? तो इसीलिए conserve. तो minimum energy खर्च करिए. क्यों? क्योंकि आपने जितना save किया है उससे समय पार हो जाना चाहिए. Okay? उसी तरह
अगर विंटर में हाइबरनेशन तो समर में क्या होगा? एस्टिवेशन। तो बोले सर समर में क्या होता है? समर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे आजकल तो 40 डिग्री वैसे ही हो जाता है, तो एट 40 डिग्री बॉडी टेम्परेचर ऑल योर एंजाइम्स विल डिस्ट्रॉय। ओके, विंटर में क्या हुआ? एंजाइम इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव वापिस एक्टिव हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बट डिस्ट्रॉय हो गया तो वापिस आ सकता है कि नहीं? ओके, तो लाइक दैट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एडवाइज टू हैव अ फोटोग्राफ ऑफ योर इन द डीपी। ओके, अगला क्लास में जिसका फोटोग्राफ नहीं होगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। कोई शक? नो सर। अपना जैसे स्वयंसु जितना सुंदर फोटो लगाना है, ये गाधा उदित क्या किया, आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया है, उसको भी रिमूव कर दूंगा। ये रोशन साहू जो का फोटो लगा दिया है, फोटो आप सपोज आशिमानंद ने फोटो नहीं लगाया, मैंने उसको क्लास से रिमूव कर दिया, तो आप कंप्लेन करेंगे कि नहीं? बोलो। समझ लो, तो इसीलिए चुपचाप फोटो लगा देना। नाउ चलिए, सो दैट्स द केस। ओके, सो नाउ लेट अस एंड द मीटिंग। फाइन, वी विल सी ईच अदर ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, सो इफ अगर ये वीडियो सेव हो जाता है तो आई विल अपलोड इट, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कभी कभी, तो